इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायण नगर कॉलोनी में, जहाँ पर थोड़ी अजीब सी घटना हुई है। चोरों ने कार को चोरी करने के बजाय उसका साइलेंसर चोरी किया है। आखिर क्या कारण है कि लगातार साइलेंसरों की चोरी हो रही है, वो भी एक ही कंपनी की गाड़ी की और एक ही मॉडल की। वो गाड़ी है मारुति की इको कार, जो BS6 मॉडल जो अप्रूव नई कार है, जिसमें एक विशेष प्रकार का साइलेंसर में कैटेलिक कन्वर्टर लगा रहता है, जिसकी चोरी लगातार हो रही है। देवास में यह चौथी या पांचवी घटना है जब इसी मॉडल की कार के साइलेंसर की चोरी हुई है। और नारायण नगर में भी ये मेरे पीछे आप ये कार देख रहे हैं, इसका साइलेंसर 30 तारीख को 31 तारीख की रात को चोरी हुआ है। खास बात यह है कि इसके साइलेंसर के बारे में बताया जाता है कि उसको जिस स्थान पर लगाया गया है वहाँ से चोरी करना बहुत ही आसान है, यानी कि एक तरह की कंपनी की ये मिस्टेक है कि उसको ऐसे स्थान पर लगाया गया है जहाँ से वो चोरी आसानी से हो जाती है। जब हमने इंटरनेट पर सर्च किया तो भारत भर में कई ऐसी खबरें नज़र आई जिसमें लगातार इसी मॉडल की गाड़ी की चोरियाँ, साइलेंसर की चोरी हो रही है। हमारे साथ में इस गाड़ी के ऑनर हैं जो यहाँ पर रहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपको कब और कैसे पता चला कि ये गाड़ी चोरी हुई है, ये साइलेंसर आपका चोरी हुआ है? सुबह मॉर्निंग को मैंने गाड़ी स्टार्ट कर नहीं रही तो फड़फड़ आवाज़ आया, तभी मैंने ओनर को बता दिया, तो वो हिला के देख लिया तो वो चोरी हो गया पता चला। जी जी, आपको उसके बारे में कुछ पता है कि इसी गाड़ी की मॉडल की जहाँ चोरी हो रही है? पता नहीं था, अभी चोरी होने के बाद सर्च किया तब सब पूरा जानकारी मिली कि इसी मॉडल की चोरी हो रही है। इसी मॉडल की चोरी, कंपनी की, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कंपनी की है, कंपनी का ही गलती है ना, बाकी की गाड़ी का इंजन के पास रहता है। मैं कंपनी के पास भी गया तो इसका कुछ सोल्यूशन है क्या, कुछ इंजन को अपने अलार्म वगैरह, वो बोले कि हम डोर को लगा सकते हैं, इंजन को नहीं लगा सकते, उसके बारे में कुछ ये पॉसिबल नहीं है बोला, तो उसका कुछ तो अंदर रखना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन इंजन में करना चाहिए। अच्छा, कितना खर्चा और आएगा जब आप साइलेंसर लगवाएंगे? अभी मैं कल कंपनी में गया था, कोई 85,000 बोल रहा था जी, अभी मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं, कोई 30,000 बोला, 40,000। अभी कंपनी का कोटेशन मिल जाएगा तभी पता चल जाएगा। कंपनी का बीमा का सर्वे करने के लिए आदमी आया, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दे दिया उनको, वो सर्वे करने आएंगे तब पता चल जाएगा प्राइस एग्जैक्ट। देखिए, ये मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, भारत भर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये देवास में भी पहली घटना नहीं है। देवास में कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें बाहर खड़ी, घर के बाहर अगर गाड़ी आपकी खड़ी है, खासतौर पर मारुति इको गाड़ी खड़ी है, तो उसका साइलेंसर चोरी हो रहा है और बिल्कुल आसानी से उसे साइलेंसर को निकाला जा सकता है। इस वजह से चोरों की लगातार निगाह इसी मॉडल पर लगी हुई है। और जो हम बता दें आपको, जो कैटेलिक कन्वर्टर इसमें लगाया जाता है उसके बारे में जो जानकारी हमने हासिल की है, वो काफ़ी महंगा होता है, उसके अंदर जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो काफ़ी महंगा होता है। इसकी वजह से ये लगातार ये साइलेंसर की चोरी हो रही है और चोरों की निगाह में मारुति इको कार इस समय चढ़ी हुई है। और खासतौर पर मारुति कंपनी को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि उस मॉडल की गाड़ी में ऐसे स्थान पर उस कैटेलिक कन्वर्टर को लाया जाए जहाँ से उसे चोर चुरा न सकें। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।